चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी कोटा स्टोन की और ग्रेनाइट की, ठीक है। कोटा स्टोन के लिए आपको बिल्डिंग के अंदर कहाँ कहाँ पे चाहिए, उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, और ग्रेनाइट कितना है ये अपन ने टोटल जो है कैलकुलेट कर लिया था। आज अपन ने कैलकुलेट करेंगे वेट्रीफाइड टाइल्स जो है वो कितनी लगेगी और सिरेमिक टाइल्स जो है वो मेरी कितनी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पॉइंट नंबर हो जाता है 56, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूंगा पॉइंट नंबर 56, हेडिंग लगाऊंगा मैं अपनी विट्रीफाइड टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स, ठीक है। एक बार मैं अपना प्लान चेक करता हूँ, यहाँ प्लान के अंदर आ जाओ। प्लान के अंदर अपनी विट्रीफाइड टाइल्स जो है कहाँ कहाँ पे लगेगी, हॉल के अंदर लगेगी, ठीक है, बेडरूम के अंदर लगेगी, मास्टर बेडरूम के अंदर, किचन के अंदर, ठीक है। सेम जो इधर रहेगा वो सब इधर रहेगा, ठीक है। कॉरिडोर के अंदर अपने लगेगी, स्टेयर केस के नीचे वाले सारे एरिया के अंदर लगेगी, ठीक है। एंट्रेंस वाला ये जो मेरा पैसेज है यहाँ पे मेरी वेट्रीफाइड टाइल्स लगेगी। उसके अलावा जो टॉयलेट है वहाँ पे आपकी सिरेमिक टाइल्स लगेगी, और आपका किचन के अंदर जो वॉल टाइल्स है या डेडो है वहाँ पे आपका जो है क्या होगा, वहाँ पे भी सिरेमिक टाइल्स लगेगी। बाकी अपने को दो पार्ट के अंदर इसको कैलकुलेट करना है वेट्रीफाइड टाइल्स को, पहला फ्लोरिंग वाला जो हॉरिजेंटल होता है, दूसरा वॉल टाइल्स या स्कर्टिंग, ठीक है, जो वर्टिकल होता है। तो इसको मैं दो पार्ट के अंदर डिवाइड करूंगा विट्रीफाइड टाइल्स को। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहले मैं कुछ नंबर बना लेता हूँ। सबसे पहले जैसे स्टेयर केस के नीचे कितना एरिया हो जाएगा विट्रीफाइड टाइल्स का, सेकंड जो है कॉरिडोर, कॉरिडोर वाला एरिया मेरा कितना हो जाएगा, देन एंट्रांस का जो पैसेज है आपका उसका कितना एरिया हो जाएगा, ठीक है। देन आपका हॉल, देन बेडरूम, देन आपका हो जाएगा मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम के बाद आपका हो जाएगा किचन, मास्टर बेडरूम देन किचन। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेयर केस के नीचे वाला। देखो ये वाले जो मेरे पास है इनकी क्वांटिटी कितनी होगी, स्टेयर केस के जो नीचे वाला एरिया है ये यहाँ का कॉमन एरिया है, ठीक है। ये वाला जो प्लॉट है और ये वाला जो प्लॉट है, मीन्स ये वाला 2 BHK है, इधर भी 2 BHK है, इसके जो बीच वाला एरिया इसकी क्वांटिटी 1-1 है। कॉरिडोर है वो मेरे पास 1 है, एंट्रांस वाला जो पैसेज है ये मेरे पास 1 है, और स्टेयर केस के नीचे वाला जो एरिया इसकी क्वांटिटी भी 1-1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबको, 1 सॉरी, देन नीचे यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ 1, देन एंट्रेंस पैसेज ये भी मेरे पास आ जाएगा 1। स्टेयर केस के नीचे वाला एरिया मेरा कितना होगा इसके अंदर देखते हैं। देखो ये वाला जो एरिया है ये यहाँ तक है पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 2250, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 2250। और ये वाला जो है, ये वाला आपको यहाँ पे जो है मिसिंग है, देखो एक्चुअली ये आप यहाँ पे मिसिंग है तो स्टेयर केस वाले के अंदर देख सकते हो। सॉरी ये स्टेयर केस वाला जो है मैं ओपन कर देता हूँ, स्टेयर केस ये मेरा स्टेयर केस का लेआउट है। यहाँ पे देखो ये वाले डिस्टेंस कितनी है, 1250 mm मेरी लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताई थी, तो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो बीम आ रहा है आपका वो 250 mm का है, और वॉल जो है वॉल का जो थिकनेस है मेरा वो 200 mm है, तो 50 mm यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 1250 प्लस यहाँ पे कितना है 2250, ठीक है, 2250 यानी कि 2.250। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल्स टू का साइन 2.250 प्लस का साइन 1250 यानी कि 1.25। इसको मैं ऐड करता हूं तो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो लेंथ है वो हो गया 2250 प्लस 1250, और ये मेरा विड्थ है ये मेरा हो गया 2400, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 2400 देन 2.4, ठीक है। अब ये कॉरिडोर के लिए भी 2.4 रहने वाला है, एंट्रेंस वाले पैसेज के लिए भी, स्पेलिंग ठीक कर देता हूं मैं, एंट्रेंस वाले पैसेज के लिए भी 2.4 रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए भी ये 2.4 रहने वाला है, इसके लिए भी ये 2.4 रहने वाला है,
अब अपने को लेंथ चेक करनी है यहाँ पे। अब मैं लेंथ चेक करता हूँ यहाँ पे, देखो कॉरिडोर का जो टोटल लेंथ है वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है 2250 प्लस 1000 प्लस पता। अच्छा देखो यहाँ पे ये आपका पूरा दे रखा है 2400 मल्टीप्लाई 3700, तो ये मेरा 3700 हो जाएगा, तो 3.7 हो जाएगा मेरा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3.7, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्रांस जो पैसेज है वो मेरा कितना हो जाएगा, एंट्रांस पैसेज आपका 1300 लिखा हुआ है, देन कितना हो जाएगा 1.3, देन मैं इसको लिखता हूँ 1.3। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सब क्वांटिटीज आपके पास दो दो हैं, ठीक है। अभी फ्लोरिंग के अंदर आपका कितना लगेगा वर्टिकल टाइल्स उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आपको नॉर्मल बस इसका लंबाई और चौड़ाई लेना है, एकदम सिंपल। जैसे इसकी मैंने क्या लिया है, लंबाई और चौड़ाई लिया है इसका, मैंने लंबाई और चौड़ाई लिया है कॉरिडोर का, एंट्रेंस पैसेज का लंबाई और चौड़ाई लिया है। अब हॉल का क्या लेंथ और विड्थ लेना है, बेडरूम का लेंथ और विड्थ लेना है, मास्टर बेडरूम का लेंथ और विड्थ लेना है, किचन का लेंथ और विड्थ लेना है, बट क्वांटिटीज जो है वो इस पर दो दो हो जाएगी सारी, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटीज मेरी कितनी हो जाएगी, टू 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 एंड टू, ठीक है। हॉल का आपके पास लेंथ और विड्थ क्या हो जाएगा, डायग्राम के अंदर जाओ देखो, लेंथ जो है ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 3300 यानी कि 3.3, यहाँ पे मैं पुट करूंगा 3.3, ठीक है। देन ड्राइंग के अंदर जाओ, ये कितना हो जाएगा 5250 mm है, तो मीटर के अंदर अपना हो जाएगा 5.25, यहाँ पे मेरा हो गया ये 5.25। नेक्स्ट बेडरूम के लिए मेरा कितना हो जाएगा, बेडरूम के लिए देखो 3000 × 3600 यानी कि 3 × 3.6, 3 × 3.6 यहाँ आपने डाला 3, नेक्स्ट आपका हो गया 3.6। नेक्स्ट मास्टर बेडरूम की मैं बात करता हूँ, मास्टर बेडरूम की डायमेंशंस मेरी 3600 और 3000, ठीक है। देन 3.6, देन यहाँ हो गया 3, ठीक है। देन नेक्स्ट लास्ट मेरा किचन बचता है, किचन की क्या है 2100 × 3000, देन मीटर के अंदर क्या हो जाएगा 2.1 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, इक्वल्स टू का साइन करता हूँ, नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा मैं लेंथ से, देन मल्टीप्लाई करूंगा विड्थ से, एंटरप्राइज करूंगा, ये कैलकुलेशन हो जाएगी मेरी। विट्रीफाइड टाइल्स कहाँ पे लगेगी, ये सारा एरिया मेरा स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर नोट कर लेते हैं। देन ये मेरा हो गया स्क्वायर मीटर के अंदर ये सारा काम, ठीक है। अब मेरा विट्रीफाइड टाइल्स जो है, ये जो सारा काम हुआ है ये मेरा फ्लोरिंग के लिए हुआ है, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, ये मेरा जो काम हुआ है वो फ्लोरिंग के लिए हुआ है, सॉरी ये जो काम हुआ है आपका फ्लोरिंग के लिए हुआ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग से भी कोई कलर देना चाहो तो कोई अलग कलर दे सकते हो लाइट सा, ठीक है। ये आप लोगों का जो काम है ये फ्लोरिंग के लिए हुआ है। नेक्स्ट अब जो मेरे को काम करना है वो किसके लिए करना है, डेडो के लिए या स्कर्टिंग के लिए। डेडो या स्कर्टिंग पे आपका कितना स्क्वायर मीटर का वर्टिफाइड टाइल यूज होने वाला है वो अपने को कैलकुलेट करना है, डेडो या स्कर्टिंग के लिए, ठीक है। इसको यहाँ पे अब नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ, इसको भी मैं अलग कलर दे देता हूँ इस तरह से। अब इसके अंदर देखो मैं क्या करता हूँ, स्टेयर केस लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी और कंट्रोल वी, दो दो बार क्यों कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस कैलकुलेशन को जो है एक्स और वाई दोनों के लिए मैं अलग अलग कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। कॉरिडोर को मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक्स और वाई के लिए अलग अलग कैलकुलेट करूँगा। एंट्रांस पैसेज को मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई के लिए अलग अलग कैलकुलेट करूँगा। हॉल के लिए एक्स और वाई दोनों के डायरेक्शन को अलग अलग मैं करूंगा, एक्स और वाई अभी मैं नोट कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट हॉल हो गया आपका बेडरूम, कंट्रोल सी कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल सी कंट्रोल बी और कंट्रोल बी। एक्सेल के अंदर आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, सारा कैलकुलेशन एक प्रोजेक्ट आप कर लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बाकी प्रोजेक्ट्स को किस तरह से करना है, ठीक है। सॉरी किचन को जो है इसके अंदर अपने नहीं लेंगे, किचन को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि किचन के अंदर जो है मेरा स्कर्टिंग जो हुआ है वो विट्रीफाइड टाइल्स का नहीं हुआ है। किचन के अंदर जो मेरा यहाँ पे डेडो लगेगा, वॉल टाइल्स लगेगी, वो सिरेमिक टाइल्स लगेगी किचन के अंदर, अपने जो है सिरेमिक टाइल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा, स्टेयर केस कॉरिडोर एंट्रेंस पैसेज हॉल बेडरूम और मास्टर बेडरूम का ही रहेगा डेडो स्कर्टिंग का। इसका स्टेयर केस को मेरे को एक्स और वाई डायरेक्शन में लेना है, तो यहाँ पे मैं एक्स देन नेक्स्ट यहाँ पे एडिट करके लिखता हूँ वाई, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक्स देन नेक्स्ट मेरा यहाँ पे वाई एक्स
वाई, एक्सेल वाई से कैसे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है ये अभी आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेडरूम की मेरी एक्स डायरेक्शन, देन बेडरूम की मेरी वाई डायरेक्शन, मास्टर बेडरूम की मेरी एक्स डायरेक्शन और मास्टर बेडरूम की मेरी वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब स्टेयरकेस का बिलो का जो एरिया है वहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे स्कर्टिंग होगी एक्स डायरेक्शन के अंदर। ये मेरा ड्राइंग है, ये मेरा स्टेयरकेस है। ठीक है, ये आपका वाई वाला एरिया होता है, ये आपका एक्स वाला एरिया होता है। तो इसमें स्कर्टिंग कहाँ हो सकती है? एक्स में सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो सकती है, यहाँ से तो ये ओपन है स्टेयरकेस के नीचे वाला एरिया। ठीक, तो यहाँ पे मेरा 2400 हो गया, 2.4। क्वांटिटी कितनी है? वन। स्टेयर केस से एंटर स्पेसेस तो क्वांटिटी मेरी कितनी रहेगी? वन ही रहेगी। सॉरी, नहीं, वन सबके लिए वन नहीं रहेगी क्योंकि वाई डायरेक्शन में ये टू हो जाएगी, वन ही रहेगी। यहाँ पे आ गया मेरा 2.4। ठीक है, अब वाई वाई जो है ये क्वांटिटी टू हो जाएगी। कैसे? ये देखो यहाँ पे प्लान के अंदर वाई मतलब यहाँ पे भी आपका स्कर्टिंग होगा, इस साइड में भी और इस साइड में भी आपका स्कर्टिंग होगा। ठीक है, स्टेयर में कंफ्यूज नहीं होना, मैं स्टेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेयर के नीचे की बात कर रहा हूँ। स्टेयर के नीचे जहाँ पे आपका फ्लोर हुआ, फ्लोर लगा है, वहाँ पे फ्लोर के पास में जो स्कर्टिंग लगेगी, टाइल्स लगेगी 150 mm की, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक एक साइड हो गया, यहाँ पे ये सेकंड वाला साइड हो गया। ठीक है, तो ये दो हो गया मेरे पास, तो नंबर हो गया मेरे पास टू। लेंथ इसकी कितनी होगी? लेंथ आपकी होगी जो देखो यहाँ पे, यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हो, ये 3.5 अपन ने कैलकुलेट की थी, 3.5। यहाँ से देखो यहाँ फॉर्मूला बनाया था, 2.25 + 1.25, ये देखो यहाँ पे 2.25 + 1.25 ये अपने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, ये तो स्कर्टिंग का मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेंथ कितनी होगी? स्कर्टिंग की जो हाइट है वो मेरे पास कितनी होगी? 150 mm आपको गिवन है, तो 0.15 हो जाएगा मीटर के अंदर। और ये सबके लिए थ्रू आउट सेम ही रहने वाला है, चाहे कहीं पे भी आप स्कर्टिंग प्रोवाइड करो, चाहे आप कॉरिडोर के अंदर करो, एंट्रेंस पैसेज के अंदर करो, हॉल के अंदर करो, बेडरूम के अंदर करो, मास्टर बेडरूम के अंदर करो, सबके लिए आपका क्या रहने वाला है? 0.15 स्कर्टिंग ही रहने वाला है। नेक्स्ट कॉरिडोर के अंदर मैं चलता हूँ। कॉरिडोर के अंदर देखिए आप, ये है मेरा एक्स डायरेक्शन, एक्स में तो कहीं पे भी स्कर्टिंग नहीं होने वाला है, इसको जीरो कर दो। एक्स में कहीं पे भी नहीं होने वाला है, इसको कर दो जीरो। एक सेकेंड, के अंदर सॉरी एक्स के अंदर जो है यहाँ पे इस साइड में होने वाला है, जहाँ पे देखो मेन डोर लगा हुआ है ना, इस साइड में एक्स डायरेक्शन आ रहा है, यहाँ पे होने वाला है, तो वन आपको देना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने वन दिया। उसके बाद लेंथ आपका कितना हो जाएगा? लेंथ देखो कितना हो जाएगा, लेंथ मेरा हो जाएगा ये वाला लेंथ आपका हो जाएगा 2400, 2.4। ये लेंथ मैंने डाला 2.4। ठीक है, और हाइट जो है स्कर्टिंग की वो मेरी फिक्स रहेगी। अब कॉरिडोर वाई डायरेक्शन के अंदर देखते हैं कितना हो जाएगा। वाई डायरेक्शन के अंदर जो कॉरिडोर है 2250, और ये टोटल जो 3700 मेरा हो रहा था, 3.7 ये और 3.7 ये। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरे पास दो हो जाएगी, यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज दो, और ये मेरे पास हो जाएगा 3.7। ठीक है, अब एंट्रेंस स्पेसेस की बात करते हैं। एंट्रेंस स्पेसेस एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? एंट्रेंस स्पेसेस ये है आपका, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में स्कर्टिंग होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 2400, 2.4 क्वांटिटी होगी वन, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिखा वन, यहाँ पे ये हो जाएगा 2.4। देन वाई डायरेक्शन के अंदर क्या होगा चेक कीजिए, 1300 हो जाएगा, 1300 इधर हो जाएगा, 1300 इधर हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरे पास हो जाएगी दो, और 1300 यानी कि 1.3, नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरे पास दो हो जाएगी और ये हो जाएगा 1.3। ठीक है, उसके बाद हॉल की बात करते हैं। हॉल के अंदर वाई डायरेक्शन, हॉल के अंदर पहले एक्स डायरेक्शन को देखते हैं। ये मेरा हॉल है, हॉल के अंदर ये जो है ये एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली जो है वाई डायरेक्शन हो जाएगी। तो एक्स डायरेक्शन है इसका आपका साइज कितना है? 3300 mm यानी कि मीटर के अंदर 3.3 मीटर। तो हॉल के लिए एक्स डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? वन, टू और दो इधर की भी हो जाएगी, तो टोटल नंबर हो जाएगा चार। टोटल नंबर हो जाएंगे मेरे पास चार, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 3.3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हॉल के लिए वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? वाई डायरेक्शन भी वन, टू, थ्री और फोर हो जाएगी। ठीक है, 5.25 मीटर, यहाँ पे मैंने डाला 5.25 मीटर, और नंबर मेरे पास हो जाएंगे चार। ठीक है, नेक्स्ट बेडरूम के लिए, बेडरूम के लिए एक्स देखो कितना हो गया,
बेडरूम के लिए एक्स मेरा हो जाएगा 3 और वाई, एक्स मेरा हो जाएगा 3 मीटर, और एक्स जो है यहाँ पे स्कर्टिंग होगा मेरा, यहाँ पे स्कर्टिंग होगा 2, ठीक है। बेडरूम की 2 डायरेक्शन ये आ जाएगी, 2 जो है इस साइड भी आ जाएगी बेडरूम की, तो टोटल एक्स डायरेक्शन होगी 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मेरा आ गया नंबर 4 और टोटल जो लेंथ है वो आपकी आ रही है 3, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन के अंदर चेक करते हैं, वाई डायरेक्शन के अंदर आपकी कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 4 जगह स्कर्टिंग होना है, लेंथ हो जाएगी 3.6, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला 4 और लेंथ हो जाएगी मेरी 3.6। देन नेक्स्ट मास्टर बेडरूम देखते हैं, मास्टर बेडरूम के अंदर यहाँ पे एक्स डायरेक्शन 1, 2, 2 यहाँ की हो जाएगी, 2 इस साइड की हो जाएगी, 4 टोटल, और एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा 3.6, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा 4 और ये मेरे पास हो जाएगा 3.6, ठीक है। वाई डायरेक्शन के अंदर कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन के अंदर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे वाई डायरेक्शन के अंदर स्कर्टिंग कहाँ कहाँ होगा, 1, 2, 3 और 4, यहाँ यहाँ पे अपना स्कर्टिंग होगा और ये लेंथ हो जाएगी 3 मीटर की, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास हुए 4, देन लेंथ जो है मेरे पास हुई 3, ठीक है। और कितनी हाइट तक होगा, 150 mm सबके लिए स्कर्टिंग फिक्स है, ठीक है। तो मैंने 0.15 लिख के वो पहले ही कर दिया था। अब मैं अपना फॉर्मूला बनाता हूँ, इक्वल्स टू का साइन, नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई डेप्थ, एंटर। ये मेरा फॉर्मूला बना, इसको मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से स्क्वायर मीटर को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी नहीं है, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। 3.6, 1.05, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ इसको, कहीं पे कोई एरर नहीं आया इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन अब मेरे को क्या करना है, स्कर्टिंग मेरा कहाँ कहाँ पे डिटेक्शन करना पड़ेगा, ये देखो प्लान के अंदर जाते हैं। अब मेरा जहाँ जहाँ पे स्कर्टिंग लगा, स्कर्टिंग कहाँ कहाँ पे नहीं लगेगा, जहाँ जहाँ पे मेरा डोर आ रहा है, ठीक है, विंडो वाला जो है वो अपने को डिटेक्ट नहीं करना है, ओनली डोर वाला एरिया जो है वो डिटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि स्कर्टिंग का जो लेवल है बिल्कुल नीचे होगा, 150 mm पे होगा, तो आपको इतना हाइट पे विंडो वाले लेवल तक तो स्कर्टिंग होगा ही नहीं, ठीक है। तो ओनली डोर डोर को मेरे को डिटेक्ट करना है। देन यहाँ पे आप क्या करते हो, डिटेक्शन कैलकुलेट करते हो। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट डिटेक्शन, डिडक्शन किया मैंने, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग कलर से कर दो, क्योंकि ये क्या है, देखो टेबल आपकी बहुत बड़ी जा रही है। पहले आपने फ्लोरिंग का सारा एरिया कैलकुलेट किया, फिर आपने डेडो वाला सारा एरिया कैलकुलेट किया, अब आप डिडक्शन कर रहे हो, ठीक है। डिडक्शन देखते हैं कहाँ कहाँ पे होगा एक बार, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, आपका प्लान के अंदर चलते हैं। सबसे पहले क्या, स्टेयर केस एक्स और स्टेयर केस वाई, यहाँ देखो स्टेयर केस एक्स जो है मेरा, यहाँ पे कोई डोर या विंडो नहीं आ रहा है तो कोई डिडक्शन नहीं है। स्टेयर केस वाई के अंदर इधर कोई डोर या विंडो नहीं आ रहा है तो कोई मेरा डिटेक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अपने देखते हैं कॉरिडोर को, कॉरिडोर के अंदर अच्छे से देखो क्या है, कॉरिडोर के अंदर आपका एक्स यहाँ पे आ रहा है, इस यहाँ मेन डोर आ रहा है आपका, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरा मेन डोर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कॉरिडोर एक्स के अंदर मैं लिखूंगा MD=1, मेन डोर जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, एक है =1, ये जो है ये मेरा रफ वर्क है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद कॉरिडोर वाई के अंदर देखो क्या डिटेक्शन करना है अपने को, कॉरिडोर वाई के अंदर यहाँ पे D1 आ रहा है, यहाँ पे D1 आ रहा है, यहाँ पे D1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे D1=2, देन यहाँ पे मेरे को करना है D1=2, D1=2 कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद एंट्रांस पैसेज को देखेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन, एंट्रांस पैसेज के अंदर एक्स डायरेक्शन के अंदर मेन डोर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, मेन डोर को कंट्रोल सी और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल बी, ठीक है। देन इसके वाई डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे कोई डिटेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ दोगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा चलते हैं यहाँ पे वाई डायरेक्शन में, तो उसमें हॉल के अंदर आता हूँ, हॉल जो है एक्स डायरेक्शन में चेक करना है पहले आपको, हॉल जो है मैंने एक्स डायरेक्शन के अंदर चेक किया, एक्स के अंदर देखो यहाँ पे D2 आ रहा है मेरा, यहाँ पे भी D2 आ रहा है और यहाँ पे D1 आ रहा है, ठीक है। तो D2 मेरे पास 2 ये और 2 ये 4 हो जाएंगे और D1 जो है वो मेरे पास 2 हो जाएंगे, D1=2 और D2=4, ठीक है। कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन के अंदर, सॉरी यहाँ पे अपना एक्सेल को ओपन करते हैं, हॉल एक्स के अंदर क्या हो जाएगा, D1 जो है वो मेरे पास हो जाएगा कैपिटल D1=2 एंड D2=4, D2=4
नेक्स्ट मेरे हॉल को वाई डायरेक्शन के अंदर देखना है, हॉल को वाई डायरेक्शन के अंदर देखते हैं, ये अपना वाई डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो D3, D2 और यहाँ पे D1, ठीक है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के अंदर एक D1 हो जाएगा, एक D2 हो जाएगा, एक D3 हो जाएगा, तीन हो जाएंगे, तो टोटल तीन इधर भी हो जाएंगे, टोटल मेरे पास छः हो जाएंगे, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, D1 मेरे पास है 2, D2 मेरे पास है, सॉरी D2 मेरे पास है 2, ठीक है, और D3 जो मेरे पास है वो भी है 2, D3 जो है वो भी मेरे पास है 2। देन उसके बाद बेडरूम का देखेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आप वापस ड्राइंग के अंदर जाओ, बेडरूम को देखो एक्स डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन के अंदर देखो बेडरूम में यहाँ पे ओनली विंडो है और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, विंडो का जो है स्कर्टिंग में माइनस नहीं होता है, ओनली डोर का ही होगा। तो बेडरूम को मैं एक्स डायरेक्शन में तो कुछ नहीं होगा, वाई के अंदर देखता हूँ, वाई के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे D2 आ रहा है आपका, तो D2 एक ही है, एक ही है, तो D2 मेरे पास हो जाएगा 2, कहाँ पे, बेडरूम वाई के अंदर, बेडरूम वाई के अंदर मेरे पास हो जाएगा D2 = 2। तो मैं इसी को कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, D2 मेरे पास हो गया 2। अब मास्टर बेडरूम देखते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन के अंदर, चलिए मास्टर बेडरूम के अंदर, मास्टर बेडरूम एक्स डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे आपका कोई भी डोर नहीं एक्स डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे आपका D3 आ रहा है और D2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक D2 ये हो जाएगा, एक इधर का हो जाएगा, एक D3 हो जाएगा, एक इधर का हो जाएगा, तो D2 = 2 और D3 = 2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, और एक बार मैं चेक करता हूँ क्या था, D2 और D3, ओके, D2 2 हो जाएगा, कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल वी कर देता हूँ, और D3 भी मेरे पास 2 हो जाएगा, यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है मेरा मास्टर बेडरूम वाई डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर देखो डोर कहाँ पे आ रहा है, वाई डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे कोई डोर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई डोर नहीं आ रहा है, और यहाँ पे और यहाँ पे भी कोई डोर नहीं आएगा, तो वाई डायरेक्शन के अंदर मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मेरा जो डिटेक्शन होगा वो कितना होगा, वो अपने पास आ चुका है, ये चीज़ होगी, ठीक है। तो अपने पास टोटल MD मेन डोर हो जाएगा, D1, D2 और D3, तीन टाइप की क्वांटिटीज बन रही है, ठीक है। तीनों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखो आपको बार बार तीनों को लिखना नहीं है, आप बहुत जगह लिख चुके हो MD, D1, D2, D3, अब पीछे से इसको कहीं पे कॉपी करके लिया होगा आपने, कहीं ना कहीं लिखा होगा इनका साइजेस वगैरह। और देखो यहाँ पे और पीछे चला जाता हूँ मैं, आराम से देखता हूँ, ये MD, इसमें D3 नहीं है, इसके अंदर देखो आपको सारे मिल रहे हैं, D1, D2, D3, ये सारा यहाँ से कंट्रोल सी किया मैंने, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करो, थोड़ा सा काम आपको आसान करना पड़ेगा अपना, ठीक है, ये सारे साइजेस आ गए मेरे। अब देखो MD जो है उसका डिटेक्शन कितना है, MD मेरे पास 1 और 2, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा -2, यहाँ पे मैंने डाला -2। D1 देखो अपने पास कितने हो गए, D1 हो गए 2 2 4, ठीक है, देन 2 6, D1 मेरे पास हो गए टोटल 6, देन मैंने यहाँ से डाला माइनस का 6, देन नेक्स्ट आपको माइनस का 6 हो गया D1। अब आपको D2 चेक करना है, D2 को आप देखो यहाँ पे D2 यहाँ पे आ रहा है आपका D2 2 और 4, टोटल हुआ आपका 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10, ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना है -10। D3 आपका कितना हो जाएगा, D3 मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल मेरा हो जाएगा -4, टेन टोटल मेरा हो जाएगा -4। अब स्कर्टिंग जो है उसमें जो लेंथ है वो क्या होगा, वही लेंथ होगा जो आपका डोर का लेंथ होगा, तो मैं 1.2 यहाँ से देखो इसको कॉपी कर लेता हूँ, 1.05, ये सेम आपका यहाँ से आ गया, 0.9 ये यहाँ पे आ गया आपका जो आपका डोर का है, 0.9, और यहाँ पे 0.75 जो आपका डोर का है, ठीक है। और ये जो मेरा स्कर्टिंग हाइट तो रहेगा वो सेम रहेगा 150 mm, और यानी कि मीटर के अंदर 0.15 मीटर, इसको मैं सेम यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ पूरा। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाना है, इक्वल्स टू का साइन देन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई डेप्थ, स्कर्टिंग का जो डेप्थ है वो, एंटर किया मैंने माइनस का, ये आ गया 0.36। यहाँ पे सेम मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, यहाँ पे सब कुछ स्क्वायर मीटर के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब आपको फाइनल फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, मैंने क्लिक किया लेफ्ट वाले ऑल्ट ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस किया मैंने, अब आपको काफ़ी ऊपर तक जाना है, देखो यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए चलते जाओ, यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए चलते जाओ, ठीक है। विट्रीफाइड टाइल्स का टोटल अपने को कितना आया,
एंटर करने पे 124.425, ठीक है। थोड़ा सा अगर ठीक नहीं लग रहा है इसको, तो इसको सबको सेलेक्ट करके आप डेसिमल के दो डिजिट तक कर लीजिए। यहाँ पे मैंने इसको दो तक सेट कर लिया, 124.46 स्क्वायर मीटर आ गया। ये मेरी वेट्रीफाइड टाइल्स का टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल सी, देन मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल वी। विट्रीफाइड टाइल्स की जो क्वांटिटी है विट्रीफाइड टाइल्स क्वांटिटी, ये मेरी टोटल कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूँ कैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया है। सबसे पहले विट्रीफाइड टाइल्स जहां जहां पे फ्लोर पे आपके लगने वाली है, ठीक है, मैंने पहले उसको कैलकुलेट किया है। देन आपकी स्कर्टिंग जहां जहां पे होने वाली है, स्कर्टिंग के अंदर देखो फ्लोर पे जहां जहां पे लगने वाली है वो सब चीजें लेंगे, बस किचन किचन को आपको नहीं लेना है, क्योंकि किचन के अंदर जो है आपकी डेडो जो लगेगी या वॉल टाइल लगेगी स्कर्टिंग नहीं होगा, उसके अंदर आपकी सिरेमिक टाइल्स यूज करेगी, खासकर इस प्रोजेक्ट के अंदर। आपके वाले प्रोजेक्ट के अंदर क्लाइंट क्या यूज करता है उसके अकॉर्डिंग आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका डोर या विंडोज का जितना डिटेक्शन होगा वो करके आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाती है 124.43, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिरेमिक टाइल्स की, ठीक है। सिरेमिक टाइल्स की अगर बात करें तो अपना कॉलम नंबर हो जाता है 56, ये हो गया है आपका 57 लगाता हूँ मैं यहाँ पे 57, ये मेरा हो जाएगा सिरेमिक टाइल, सिरेमिक टाइल्स, ठीक है। अब सिरेमिक टाइल्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी वही चीज है, पहले फ्लोरिंग का मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा नहीं रहेगा, अपना छोटा सा ही पार्ट रहेगा। फ्लोरिंग का मैंने लिया, फ्लोरिंग के अंदर आपका क्या आएगा, सिरेमिक टाइल्स मेरा फ्लोरिंग में कहाँ लगने वाला है, ओनली टॉयलेट्स के अंदर लगने वाला है, ठीक है। टॉयलेट की नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 क्वांटिटीज है मेरे पास। और यहाँ पे आपने डाला नंबर ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा आप टॉयलेट, टॉयलेट नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरे पास हो गई यहाँ पे 4। देन लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, लेंथ और विड्थ चेक करते हैं, 2400 मल्टीप्लाई 1200 यानी कि 2.4 मल्टीप्लाई 1.2 मीटर के अंदर। यहाँ पे मेरा 2.4 मल्टीप्लाई 1.2, देन यहाँ पे फॉर्मूला बना लो, इक्वल्स टू का साइन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। तो ये मेरा टोटल फ्लोरिंग जो है वो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कहीं फ्लोरिंग होगा नहीं सिरेमिक टाइल्स का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ डेडो एस्कॉर्टिंग को, कंट्रोल सी देन यहाँ पे कंट्रोल वी। अब मेरा डेडो या स्कर्टिंग कहाँ कहाँ पे लगेगा, मेरा किचन के अंदर टॉयलेट के अंदर तो स्कर्टिंग होगा ही होगा, ठीक है। टॉयलेट के अंदर दो डायरेक्शन के अंदर होगा, टॉयलेट में भी एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। टॉयलेट के अंदर मैंने एक्स लिखा, देन टॉयलेट के अंदर मेरा वाई डायरेक्शन के अंदर भी होगा, ठीक है। उसके अलावा मेरा कहाँ होगा, किचन के अंदर एक्स और वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। किचन के अंदर जो है एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्कर्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेडो की बात कर रहा हूँ, वॉल टाइल्स जो लगेगी उसकी बात कर रहा हूँ। किचन वाई डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा मेरा सिरेमिक टाइल्स कहाँ पे लगेगा, सिरेमिक टाइल्स और आपका यहाँ पे स्टेयर्स पे भी तो लगेगा, यहाँ स्टेयर के जो पास वाली जो साइड है यहाँ पे भी आपका सिरेमिक टाइल लगेगा। ये देखो, ये जैसे आपकी स्टेयर चल रही है तो यहाँ पास में आपका क्या सिरेमिक टाइल लगेगा, लैंडिंग के पास में भी आपका, तीनों तरफ देखो लैंडिंग यहाँ पे आ रही है आपकी, लैंडिंग में यहाँ पे भी आपका सिरेमिक टाइल लगेगा, यहाँ पे भी सिरेमिक टाइल लगेगा, यहाँ पे भी सिरेमिक टाइल लगेगा 900 mm की हाइट पे, ठीक है। और यहाँ पे आप ये सब जगह आपका सिरेमिक टाइल लगेगा, ठीक है। ये भी कितनी हाइट में लगेगा, 900 mm की हाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एक्सेल के अंदर आके सिरेमिक टाइल स्टेयरकेस स्टेयर केस साइड वॉल एक यहाँ पे लगेगा, देन लैंडिंग को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, लैंडिंग में एक्स साइड में लगेगा और वाई साइड में लगेगा। आराम से चीजों को मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे एक एक की कैलकुलेशन करूंगा मैं और ज्यादा डेप्थ के अंदर चीजों को बताता जाऊंगा, अभी छोटी सी कैलकुलेशन है, इसके अंदर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, अभी जल्दी खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट, विट्रीफाइड टाइल जितना लंबा नहीं चलेगा ये,
ठीक है। अब टॉयलेट एक्स के अंदर देखो, आपका टॉयलेट एक्स जो है नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पे देखता हूँ। टॉयलेट एक्स के अंदर यहाँ पे स्कर्टिंग होगा, यहाँ पे स्कर्टिंग होगा, दो तीन चार, चार साइड ही हो गई, 1 2, दो टॉयलेट की, दो टॉयलेट की, चार इधर चार इधर, टोटल मेरे पास हो गई नंबर ऑफ क्वांटिटीज 8। तो यहाँ पे मैंने डाला 8, ठीक है। लेंथ कितनी हो जाएगी और विड्थ कितनी हो जाएगी, देखो लेंथ मेरी 2.4, 1.2 सेम हो जाएगा आपका, पीछे जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया था उसको चाहो तो, सॉरी सॉरी सॉरी, ओनली आपका इधर एक्स डायरेक्शन देखना है, सॉरी आपका जो है यहाँ पे ओनली एक्स डायरेक्शन देखना है, तो एक्स डायरेक्शन आपका हो जाएगा 2.4। तो ये सब हो जाएगी आपकी 2.4, ये सब हो जाएगा मेरा 2.4। और स्कर्टिंग जो है वो मेरी कितनी होगी, उसकी डेप्थ होगी 150 mm, यानी मीटर के अंदर, मीटर के अंदर कितना हो जाएगा 0.15, ठीक है। उसके बाद टॉयलेट वाई डायरेक्शन के अंदर देखते हैं, वाई डायरेक्शन के अंदर कितना हो जाएगी मेरा नंबर ऑफ साइड्स 1 2, यहाँ पे स्कर्टिंग होगा, यहाँ स्कर्टिंग होगा, इसमें दोनों साइड स्कर्टिंग होगा, 1 2 3 4, फोर ये हो गया, फोर ये हो गया, टोटल हो गया मेरा नंबर ऑफ साइड्स 8, ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ साइड्स 8। देन यहाँ पे मेरा लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा, देखो 1.2, 1.2, 1.2, ये सब 1.2 हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं डालता हूँ 1.2, डेप्थ मेरा कितना हो जाएगा 0.15, ठीक है। उसके बाद किचन की बात करते हैं, किचन के अंदर जो मेरा डेडो है या वॉल टाइल्स है वो कितना हाइट पे लगेगा, वो लगेगा 7 फिट तक लगेगा, 2100 mm मेरा लगेगा। तो यहाँ पे हाइट जो है किचन के अंदर वो आपकी रहेगी 2.1, ठीक है, जो हाइट रहेगी वो रहेगी 2.1। और उसके बाद किचन के अंदर एक्स साइड वाई साइड देखते हैं, किचन के अंदर देखो एक्स वाली साइड कितनी होगी, 1 2 3 और 4, फोर साइड्स हो गई, और 2.1 यहाँ पे मेरी फोर साइड्स हो गई, ठीक है। और उसकी लेंथ हो गई वो हो जाएगी 2.1, वाई साइड से वो भी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 4, जो हो जाएगी 3 मीटर की, यहाँ पे ये हो गई मेरी 4, देन यहाँ पे ये मेरा हो गया 3 मीटर। बहुत ही आसान, देखो कितने सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ तक का मेरा काम हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपका स्टेयर केस की साइड वॉल की बात करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छे से समझो, ये मेरा स्टेयर केस का प्लान है, ठीक है। यहाँ पे पहले स्टेयर केस के साइड के अंदर देखो, ये वाले जो है ना, यहाँ पे इस वाली जगह जहाँ प्लान के अंदर मैं माउस को, यहाँ पे आपका लगने वाला है वॉल टाइल्स या डेडो, यहाँ पे भी आपका वॉल टाइल्स लगने वाला है, ठीक है। तो वॉल टाइल्स जो है आपकी कहाँ पे लग रही है, 900 mm तक लग रही है। और ये किस तरह से लगी हुई है, ये देखो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये इस तरह से लगी हुई है, ये इस तरह से लगी हुई है। मान लो ये आपका पहला ट्रेड है, तो ट्रेड से 900 mm की हाइट तक यहाँ पे टाइल लगी हुई है, यहाँ से इस वाले ट्रेड से 900 mm हाइट की हाइट तक यहाँ तक मेरा क्या लगा हुआ है, वॉल टाइल्स लगी हुई है, यहाँ इस तरह से लगी हुई है, ठीक है। तो इसका जो है मैं एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये देखो ट्रेड का आपका जो साइज है वो कितना हो जाएगा, 250 mm, और 900 मेरे को पता है मेरी जो है वॉल टाइल्स में 900 mm तक लगानी है, ठीक है। तो ये मेरा एरिया कैलकुलेट हो गया 900 × 250। अब नंबर ऑफ आपको बात करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है वो कितनी हो जाएगी, तो इस ट्रेड कितने, जितने ट्रेड है उतनी ही ये सब लगेगा, ठीक है। ट्रेड को मैं काउंट कर लेता हूँ यहाँ से, इस वाले प्लान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 9 कितने हो गए, 18। देन यहाँ पे मैंने पुट किया 18, ठीक है। अब बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ मेरी हो जाएगी, लेंथ यहाँ पे आपकी हो जाएगी 2.4, सॉरी 18, आप एक बार प्लान में चेक कीजिए, दोबारा कंफ्यूजन में हो आपको। ये देखो ये आपका कितना देर का ट्रेड, 250, देन यहाँ पे देखो ये मैंने बताया था 250 × ये हो जाएगी आपकी डेप्थ, देन 250 यहाँ पे आपको क्या रखूंगा मैं, 250 को 0.25, 0.25, और डेप्थ आपकी हो जाएगी 0.9, ठीक है। देन आपका टोटल जो है स्टेयर केस के अंदर साइड के अंदर कितना टाइल लगेगा वो सारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब लैंडिंग के अंदर देखो क्या कैलकुलेशन रहेगी मेरी, लैंडिंग के अंदर देखो यहाँ 2400 mm वाली वाला जो, ये तो वाई डायरेक्शन हो गया, 1250, 1250, 1200 में 50 मैंने क्यों ऐड किया है पता है आपको, ठीक है, क्योंकि बीम आपका 250 का है और वॉल जो है वो आपका 200 mm का ही है, तो 50 mm इधर से इंक्रीज हो जाएगा, तो 1250 इधर, 1250 इधर, तो वाई डायरेक्शन में तो दो आइटम हो गए, एक्स डायरेक्शन में ये एक ही साइड होगा। तो एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये एक ही साइड है आपका जहाँ स्कटिंग होना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1, ठीक है, 2400 यानी कि 2.4, ठीक है। यहाँ पे मेरा वाई डायरेक्शन के अंदर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1250 यानी कि 1.25, 1250 यानी कि मीटर के अंदर 1.25।
और आपका जो है 900 mm तक का ही रहेगा, वॉल टाइम से लगेगा 900 mm तक लगेगा। स्टेयर्स पे आप जो जा रहे हो वहां पे भी, और लैंडिंग वाली जगह वहां पे भी, ये देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको एक बार दोबारा, यहाँ पे भी आपका जो है 900 mm तक रहेगा, यहाँ पे भी 900 mm, 900 mm, 900 mm। अब आपको सिंपल फॉर्मूला बनाना है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ इक्वल्स टू का साइन, देन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई डेप्थ, एंटर। ठीक है, देन यहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एक सेकेंड टॉयलेट के लिए, सॉरी आपका देखो यहाँ पे गड़बड़, अपन ने क्या किया है, टॉयलेट के लिए अपन ने स्कर्टिंग तो लिया है 0.15 लिया है, टॉयलेट में स्कर्टिंग नहीं होगा, टॉयलेट में तो आपका ज्यादा हाइट तक टाइल्स प्रोवाइड होगी, तो टॉयलेट में भी जो है 7 आपका जो है 7 फिट तक जो है वो प्रोवाइड होगी टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2100 mm यानी मीटर के अंदर 2.1, और यहाँ पे भी आएगा नीचे, यहाँ पे भी आएगा 2.1। ठीक है, थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, स्कर्टिंग की वैल्यू सब जगह वही ले रहे थे, इसलिए यहाँ पे भी यही ले ली। ठीक है, टॉयलेट में किचन में सब जगह क्या होगा 7 फिट तक आपकी टाइल्स लगेगी, सिरेमिक टाइल्स। ठीक है, देन यहाँ पे अब आप इसको ड्रैग कर लो, सॉरी यहाँ से पकड़ो, ये प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे ड्रैग कर लो, ये सब आपका हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ पे ये सब मेरा स्क्वायर मीटर के अंदर चल रहा है। अब बात करते हैं डिडक्शन की, कि मेरा डिडक्शन जो है वो क्या क्या रहेगा। ठीक है, टॉयलेट एक्स से स्टार्ट करते हैं आपका, टॉयलेट के अंदर देखते हैं एक्स साइड के अंदर कहाँ कहाँ पे डिडक्शन है। यहाँ पे टॉयलेट के अंदर देखो ये एक्स ठीक है, तो एक्स के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो D3 आ रहा है, D3 और D3, D3 मेरे पास हो गए 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरा कुछ रफ्फक कर लेता हूँ, D3 इक्वल्स टू कैपिटल के अंदर लिखेंगे, D3 इक्वल्स टू 2, D3 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट जो है टॉयलेट वाई डायरेक्शन के अंदर देखते हैं, टॉयलेट वाई डायरेक्शन के अंदर 1 2, इधर देखो D3 आ रहा है, एक D3 इधर हो जाएगा, ये तो मेरा एक्सप्रेशन में चला गया, ये D3 हो जाएगा इधर, एक इधर, तो D3 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे दोनों जगह D3 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हो जाएगा D3 इक्वल्स टू 2। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा किचन एक्स डायरेक्शन में, देखो किचन को एक्स डायरेक्शन में देखता हूँ, एक्स में देखो यहाँ पे D2 आ रहा है और यहाँ पे भी D2 आ रहा है, तो 2 D2 ये हो गए और 2 T2 ये हो गए, तो D2 इक्वल्स टू हो जाएंगे मेरे 4, सॉरी एक सेकेंड, D2, हाँ D2 मेरे पास हो जाएंगे 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा D2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कोई नई चीज आई है, देखो अभी तक अपन ने विंडो को कहीं पे भी लेस नहीं किया था, क्योंकि स्कर्टिंग जो है वो कहाँ पे था, ओनली डोर के लेवल तक ही था, बट यहाँ पे अपन ने 7 फिट तक क्या है वॉल टाइल्स लगाया है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, विंडो वाले एरिया को भी डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आपकी विंडो भी आ रही है, यहाँ पे देखो आपकी विंडो भी आ रही है किचन के अंदर, W2 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 इक्वल्स टू हो गया। टॉयलेट के अंदर कोई विंडो नहीं आ रही थी, देखो वेंटिलेशन लेवल जो था वो तो 7 फिट से भी ऊपर जाता है। ठीक है, टॉयलेट के अंदर ओनली वेंटिलेशन आ रहा था, तो वो तो 7 फिट से भी ऊपर जाता है, विंडो वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे, तो उसमें कोई डिटेक्शन नहीं करना पड़ता, और वैसे भी वेंटिलेशन का जो एरिया क्या होता है 0.5 m² से कम होता है, तो उसको अपने कंसिडर करते ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देन अब आप यहाँ पे देखो मेरे को विंडो मेरे पास कितनी हो जाएगी, W2 इक्वल्स टू 1 और 2, 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने लिखा W2 इक्वल्स टू 2, एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा W2 इक्वल्स टू 2 हो गया मेरे पास। अब किचन वाई डायरेक्शन के अंदर देखो, किचन वाई डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, ना डोर है ना विंडो है, यहाँ पे भी ना डोर है ना विंडो है, यहाँ पे भी वो सेम होगा, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा डिटेक्शन इतना ही है, D2 D3 और W2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डिटेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl C, यहाँ पे मैंने कहा Ctrl V, D2 और D3 को कॉपी करके ले आता हूँ Ctrl C, क्योंकि ये दो ही आइटम्स है इधर डोर के, और विंडो का जो है एक आइटम है ओनली W2। W2 का जो साइज है वो अपने प्लान के अंदर देख सकते हैं क्या चीज है, प्लान के अंदर देखो इसका साइज क्या है, यहाँ पे W2 मेरा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 1.9 × 1.2, 1.9 × 1.2, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 0.9 ×, सॉरी 0.9 × मल्टीप्लाई का साइन, देन नेक्स्ट जो है अपना 1.2। ठीक है, अब मेरे नंबर कितने कितने हो जाएंगे, D2 देखो कितना हो जाएगा, D2 मेरा हो जाएगा -4,
मैं यहाँ पे करूंगा -4, ठीक है। D3 मेरा हो जाएगा 2, ये 2, ये भी हो जाएगा मेरे पास -4, -4, ठीक है। W2 मेरे पास हो जाएगा ओनली 2, तो मैंने यहाँ पे करूंगा -2, -2, ठीक है। अब बात करेंगे लेंथ की, लेंथ इसकी क्या रहेगी, डोर की यहाँ पे 0.9 है, तो 0.9 भी रहने वाली है, ठीक है, 0.9 ही होगा। यहाँ पे 0.75 है D3 का, तो 0.75 ही होगा। पर डोर की जो हाइट है वो क्या होगी, वो पूरी 2100 mm होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.1, यहाँ पे भी आएगा 2.1। अब विंडो की जो हाइट है वो यहाँ पे क्या रहेगी, 0.9 में माइनस करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरे को ओनली विंडो वाली जगह को ही लेस करना है, ठीक है। वॉल वाली जो टाइल्स लगने वाली वो कितनी कम लगेगी, जितना आपका विंडो का एरिया है, तो विंडो की लेंथ ये हो गई, विंडो का एरिया जो है वो 1.2 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ इसकी हो जाएगी, विड्थ 1.2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ मैं, इक्वल्स टू का साइन, नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एंटर, ठीक है। देन इसको मैं यहाँ पे तरह से कॉपी कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे, ऑल्ट के साथ प्लस, देन इसको आपको ड्रैग करना है पीछे तक, देन मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो अब आया 107.28। ये आपका कंप्लीट क्वांटिटी कैलकुलेट हो चुका है कि आपको सिरेमिक टाइल जो है स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर कितना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मीटर 107, 107.28 स्क्वायर मीटर आपको सिरेमिक टाइल्स चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ से तो मैं स्क्वायर मीटर को इसको ट्रैक कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। थोड़ा सा क्लास अपना हो सकता है लंबा हो गया है, ठीक है, बट आपका क्वांटिटी जो है फाइनल कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो आपका कैलकुलेट हो गया है, सिरेमिक टाइल्स की जो है टोटल क्वांटिटी वो कितनी आ रही है, वो चीज़ अपनी कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे डोर और विंडो का, उसका क्वांटिटी कैसे आएगा वो चीज़ अपन उसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक्सेल के अंदर आप जो है सारे वर्क जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपको डाउट है वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए।